हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है गोल्डन शेयर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि सर, एंजल ब्रोकिंग का जो ये वेब वाला प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर वॉच लिस्ट में हम बैंक निफ्टी निफ्टी या ऑप्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, जिसमें कंप्लीट जानकारी दी थी कि एंजल ब्रोकिंग का वेब प्लेटफॉर्म पे, यानी आप लैपटॉप पीसी में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। स्पीड प्रो के ऊपर भी बनाया था, लेकिन स्पीड प्रो में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, राइट? तो बेटर है कि आप वेब में ही ट्रेड करो, यानी अपना किसी क्रोम ब्राउजर, वहां पे लॉग इन कर लो, वहां पे आप कर सकते हो। तो चलिए ये देख लेते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लॉगिन कर लिया। देखो, आप एंजल वन का वेबसाइट ओपन कर लो, एंजल वन गूगल पे डाल दो, आ जाएगा। वहां पे अपना लॉगिन कर लो, मोबाइल नंबर डालकर, ओटीपी डालकर लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आप आ जाओगे इस तरह के पेज पे। देखो, यहाँ पे अगर आप है ना, यहाँ कॉर्नर पे देखोगे, इस कॉर्नर पे तो वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, फंड, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देखो, आपका पोर्टफोलियो क्लिक करना है, देखना है, पोर्टफोलियो क्लिक करो। अभी यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, इसे दिखा नहीं रहा है, राइट? यहाँ होल्डिंग, जीटीटी, स्टॉक, एसआईपी, पोजीशन, सब कुछ दिया हुआ है। अभी हम फिलहाल जान लेते हैं कि वॉच लिस्ट में आप कैसे स्टॉक को ऐड कर सकते हो। देखो, यहाँ पे ये हमारा इस साइड में वॉच लिस्ट आ गया है। अब देखो, अगर आपको नया वॉच लिस्ट बनाना है, सपोज दैट ये वॉच लिस्ट पूरा भर गया है, आप नया वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो, ये प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम दे दो, कुछ भी जो आप नाम देना चाहते हो। मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, इसको मैं कट कर देता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन दिया, डाला और क्रिएट किया। यहाँ पे देखो, एक ये हो गया वॉच लिस्ट, दूसरा ये मेरा ऑप्शंस करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे ऐड स्टॉक ऑप्शन दिया, यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ सर्च पे सिंपल जाओ। अब सबसे पहले आपको मान लो बैंक निफ्टी निफ्टी का ये सब ऑप्शन ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बैंक एन, देखो सिर्फ बैंक एन टाइप करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का नीचे सबसे पहले फ्यूचर आ जाता है, राइट? यानी करंट मंथ का फ्यूचर आ जाएगा, फिर उसके अगले महीने का फ्यूचर आ जाएगा, फिर अगले महीने का फ्यूचर आ जाएगा। तो सिंपली आप यहां से फ्यूचर जो है ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, सिंपली आपको प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फ्यूचर ऐड हो गया, राइट? उसके बाद मान लो आपको अभी ऑप्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे बैंक एन वापस से डाला मैंने। अब देखो, यहाँ पे नीचे 4 अगस्त का, यहाँ देखो एक्सपायरी डेट लिखा है, 4 अगस्त का 35,700, 35,700 इस तरह से दिया है। अब आपको मान लो चाहिए 37,500 का कॉल ऐड करना है। देखो सब, बैंक एन लिखने के बाद एक बार आपको स्पेस देना है, समझ में आया? एक बार क्या करना है, आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद 37,500 टाइप करना है, 37,500 टाइप करोगे ना, तो यहाँ देखो पूरा 37,500 यानी 37,500 का कॉल करेंट मंथ का, फिर पुट करेंट मंथ का, फिर अगले, सॉरी, करेंट एक्सपायरी, करेंट वीक का, और फिर अगले एक्सपायरी का 37,500 का, फिर पुट अगले एक्सपायरी का 37,500 का, फिर उसके अगले एक्सपायरी का 37,500 का। सिर्फ 37,500 के जो भी कॉल पुट है उनका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब मान लो आपको ये एक्सपायरी का 37,500 कॉल आपको इस पे ट्रेड करना है, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। यहाँ प्लस पे क्लिक किया मैंने, ये आपका वहां आके ऐड हो गया, राइट? और उसका यहाँ पे चार्ट भी राइट साइड में खुल जाता है, राइट? अब इस तरह से आपको पुट ऐड करना है, सेम ऐसे सेम टाइप करो, बैंक एन स्पेस दो 37,500। यहाँ पे पुट आ गया करंट एक्सपायरी का, प्लस पे क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। अब आपको बाई सेल करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करोगे यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, चार्ट का टाइम फ्रेम आपके हिसाब से ले सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी लेना है। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख रहा है, इंडिकेटर सब कुछ लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ सिंपली आप बाई और सेल, बाई करना है, बाई पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आ गया, आपको क्या करना है, इंट्राडे करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट? नहीं, ऑप्शन आ जाता है, इंट्राडे करना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। इंट्राडे में आपको लीवरेज जो है मिलता था पहले, अब नहीं मिलता है, तो दोनों में लीवरेज फिलहाल नहीं मिलता। आप चाहे इंट्राडे लो या कैरी फॉरवर्ड लो। देखो, अभी लीवरेज नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि कैरी फॉरवर्ड ले लो, लेकिन जब भी आप ऑप्शन कर रहे हो ट्रेडिंग, तो ध्यान रहे कि कैरी फॉरवर्ड ना करो, क्योंकि कल क्या होगा किसने देखा, मार्केट गैप डाउन होगा, बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट ना? हाँ, आपका प्लानिंग है, भाई मैं पुट लिया हूँ क्योंकि मार्केट गैप डाउन होगा, तो उस हिसाब से आप कैरी कर सकते हो, लेकिन बेटर रहे कि इंट्राडे करो, क्योंकि 3:15 बजे आपका पोजिशन खत्म होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं आराम से निकालूंगा देख के, तो आप कैरी फॉरवर्ड ले लो। मैंने कैरी फॉरवर्ड ले लिया, अब यहाँ लॉट डाल दो, मान लो मुझे 2 लॉट चाहिए, 2 लॉट डाल दिया, राइट? ने एक लॉट में 25 क्वांटिटी यहाँ देखो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिमिट यानी प्राइस डालना चाहते हो, 345 चल रहा है, मुझे 340 पे खरीदना है, मैंने डाल दिया। और बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, राइट? बस प्लेस ऑर्डर कर देना है, आपका ऑर्डर यहाँ पे बाई हो जाएगा, राइट? आप इस तरह से लॉट
जो है बाई कर सकते हो, यहाँ कैरी फॉरवर्ड इंट्रा वापस से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ बाई सेल का ऑप्शन दिया रहता है। सो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस, यानी ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, राइट ना। इसी तरह से निफ्टी का भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस राइट ना, कि निफ्टी आप उसके बाद यहाँ पे डाल दो भाई 17,500 का कॉल यहाँ पे आ गया, आप इसको प्लस पे क्लिक करो, ऐड कर लो। इसी तरह से स्टॉक ऑप्शन भी, कोई बाय करना है स्टॉक ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से आपके वॉच लिस्ट में आप नया वॉच लिस्ट बना सकते हो, वॉच लिस्ट में कोई भी ऑप्शंस का ऐड कर सकते हो। आप समझो कमोडिटी मार्केट का कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हो, मान लो क्रूड ऐड करना चाहते हो, CRUD क्रूड, क्रूड डालोगे ना, अब यहाँ देखो कमोडिटी का ऑप्शन, चाहे तो आप इधर कमोडिटी भी क्लिक करोगे ना तो सिर्फ क्रूड ऑयल, मतलब सिर्फ कमोडिटी का चीजें यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ फ्यूचर आ गया राइट ना, फ्यूचर आ गया, पहला फ्यूचर करंट मंथ का, अगले मंथ का, अगले मंथ का फ्यूचर्स आ गए। अब आपको कॉल चाहिए, मान लो 8,500 टाइप, स्पेस दे दो, 8,500 टाइप कर दो, अब यहाँ 8,500 का कॉल यहाँ पे आ गया। सो प्लस पे क्लिक कर दिया, ये भी आपको नीचे यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया राइट ना। इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो, मान लो जैसे क्रूड ऑयल को मुझे नीचे रखना है, प्लेस करना है, जस्ट यहाँ पे लेके आओ कर्सर, माउस से जो है लेफ्ट साइड क्लिक करो, क्लिक कर प्रेस करके नीचे लाओ और यहाँ पे रख दो, आपका ये पोजिशन चेंज हो जाएगा। इस तरह से पोजीशनिंग भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आप इसको जहां चाहो वहां प्लेस कर सकते हो। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखो तीन डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे ना आप, जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दिख रहा है। आप चाहते हो यहाँ मुझे सेंसेक्स नहीं चाहिए, निफ्टी चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ देखो सेंसेक्स हटा देंगे और निफ्टी आ गया। सो तीन है यहाँ पे, आप दो कोई भी रख सकते हो राइट, और वॉच लिस्ट को मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नाम वाम चेंज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। अब आप यहाँ साइड में क्लिक कर दो और देखो आपका यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गया। सो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लगा सकते हो, प्लस आप जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और इनके नाम रीनेम ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आया रहेगा। अभी एक ऑप्शन यहाँ देखो फ्रेंड और दिया है कि स्विच बैक टू ओल्डर वर्जन, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये नया वर्जन बनाया है एंजल ऑयल ने, ये नहीं चाहिए, पुराना जो था वही चाहिए। सो यहाँ पे देखो स्विच बैक पे क्लिक कर दोगे तो ओल्डर वर्जन आ जाएगा, जो पुराना ऐप, जो जैसे पुराना प्लेटफॉर्म था उस तरीके से आ जाएगा। सो जैसे आपको अगर पुराना वाला जो ये है प्लेटफॉर्म है पसंद है वेब का, तो वो यूज करो, नहीं तो नया वाला है तो नया वाला करो, नया वाला बेटर है सो नया वाला ही करिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आया रहेगा। आपको वेब पे ट्रेडिंग करो या स्पीड प्रो पे करो या ऐप पे करो, सभी जगह सेम ही है, कोई ऐसा नहीं है मुश्किल है कोई इजी है, तीनों जगह सेम है, बस आपकी आदत जिस पे हो जाए, प्रैक्टिस जिस पे हो जाए उस पे आप ट्रेडिंग आराम से कर लोगे राइट। सो ट्रेड करिए इस तरीके से, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से निकाल लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक पर।